पतंग बनाना, काइट बनाना और उसका बिजनेस करना कैसा है उसके बारे में, और जो हमारे मुसलमान भाई जो फेस्टिवल पे पतंग चगाते हैं उस बारे में भी थोड़ा वजह कीजिए, और शेख उसमें कितने लोग गुजर भी जाते हैं, गिर के पड़ जाते हैं, उसके बारे में भी कुछ। सवाल वाजे है जी फरहान भाई, सवाल वाजे है फरहान भाई जी। शेख देखिए, पतंग जो है एक खेल है, पतंग जी एक खेल है, और किसी भी खेल का को सही तरीके से भी खेला जा सकता है, गलत तरीके से भी खेला जा सकता है, उसका जायज इस्तेमाल भी हो सकता है, नाजायज इस्तेमाल भी हो सकता है। तो असलन जी तो वो जायज खेल है, अगर उसमें कोई नाजायज चीज अलग से ऐड ना हो तो वो जायज है। कोई भी जी खेल खेल असलन जायज है, जब तक उस पर शरीयत की कोई दलील ना आ जाए या उसके अंदर अलग से कोई नाजायज चीज ऐड ना हो जाए। अब अगर कोई आदमी पतंग उड़ाता है और जो है बहुत सारे वाजिबात छोड़ देता है पतंग उड़ाने के चक्कर में, अपना वक्त जाया करता है सिर्फ उसी में, तो हम कहेंगे ये हराम है। कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट के चक्कर में नमाजें गवाता है, बहुत सारे मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है या उस पर सट्टेबाजी करता है, तो हम कहेंगे हराम है। लेकिन फकत अगर सिर्फ खेलता है तो हम कहेंगे कि जायज है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल जायज हो रहा है या नाजायज हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जी अगर सर वो किसी कौम का शियार बन जाए कि फला मुनासबत से किसी कौम का वो शियार है, तो अब जी इसमें तशब्बुह हो गया तो हम वहां पे कहेंगे कि नाजायज है। और बिजनेस बिजनेस ये कर सकते हैं, वो पतंग दे सकते हैं, अब पतंग वो डोरी। इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो आप जो है किसके लिए कर रहे हो। वो सर ये त्योहार तो नॉन मुस्लिम का ही है शेख, समझिए। हाँ, तो देखिए असल में जो नॉन मुस्लिम के जी त्योहार हैं, आम उनका ताल्लुक, त्योहार का ताल्लुक अकीदे से होता है, सिर्फ कल्चर से नहीं होता है, अकीदे से जी होता सर है, जो है दीन से होता है, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें जिनका ताल्लुक कल्चर से भी होता है, लेकिन वो उनकी पहचान होती है और हमारी शरीयत में मुशाबहत से मना किया गया है। इसलिए हर वो चीज जिसमें मुशाबहत हो किसी भी तरह से, तो उससे जी हमको बचना है, उसको करना हमारे लिए जायज नहीं है। और वैसे भी देखिए, अमूमन पतंग ऐसा खेल नहीं है कि उसमें आपको कोई फायदा है, ना तो उसका कोई जी फायदा जिस्मानी नहीं। फायदा है, ना तो उसका कोई जहनी फायदा है, वो सिर्फ वक्त का जिया है। इसलिए मेरी नसीहत आप होगी, आपको ये होगी कि आप किस इंडस्ट्री से दूर रहें, कोई और अच्छा इससे बड़ा करने की कोशिश करें। जी जजाकल्लाह खैर।